माँ गायत्री को वेदों की जननी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ गायत्री का ध्यान करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और गायत्री महामंत्र के जाप से 24 देवों का आशीर्वाद मिलता है। परेशानी कोई भी हो, समस्या कितनी ही विकट क्यों ना हो, गायत्री मंत्र का प्रभाव आपको हर मुसीबत से छुटकारा दिला सकता है। बस जरूरत है सही नियम और संयम के साथ गायत्री मंत्र का जाप करने की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्रों के जाप से शरीर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है। शास्त्रों के मुताबिक नियमित रूप से गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। हर दिन गायत्री मंत्र का जाप करने से इसके अद्भुत लाभ देखने को मिलते हैं। गायत्री मंत्र का अर्थ इस प्रकार है, हम जब भी गायत्री मंत्र को पढ़ते हैं तो गायत्री मंत्र को उच्चारण करके नहीं, मन में ही गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए। उससे उस मंत्र की शक्ति जो है हजारों गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इसका अर्थ इस प्रकार है, सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के प्रसिद्ध पवनीय तेज का हम ध्यान करते हैं। वे परमात्मा हमारी बुद्धि को सत की ओर प्रेरित करें, अर्थात उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में अपने ध्यान करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें, दुख से निवारण हो, दुखों का नाश हो और मैं तेजस्वी हूँ, पापों का नाश हो और भगवान देव स्वरूप परमात्मा का हमारे अंतःकरण में वास हो। यह भगवान के इस माँ गायत्री के मंत्र का अर्थ होता है। गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए किसी विशेष समय की जरूरत नहीं होती, फिर भी इस मंत्र का जाप एक समय और नियम के अनुसार किया जाए तो इस मंत्र में हर समस्या का निदान छिपा हुआ है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का जाप प्रातःकाल सूर्योदय से थोड़ी देर पहले मंत्र का जाप शुरू करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप दोपहर के समय में भी किया जा सकता है। संध्या के समय गायत्री मंत्र का जाप सूर्यास्त के कुछ देर पहले आरंभ कर देना चाहिए और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक इसका जाप करना चाहिए। माना जाता है कि गायत्री मंत्र के नियमित जाप से सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ये सफलता प्रदान करने वाला मंत्र है। अगर आपके कार्यों में बाधाएं आ रही हैं और सफलता हासिल नहीं हो पा रही तो गायत्री मंत्र का जाप करना फायदेमंद रहता है। अगर कोई असाध्य रोगों से पीड़ित हो तो वह इस गायत्री मंत्र का जप करे। 240,000 अगर वह जप करता है तो उसके समस्त रोग जो हैं निवृत्ति मिलती है और माँ गायत्री की कृपा उसे प्राप्त होती है। इस जप को करने का विधान है कि प्रातःकाल ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए स्नान ध्यान करने के पश्चात माँ गायत्री की प्रतिमा रखें या माँ गायत्री के मंदिर में जाकर के या किसी भी मंदिर में या गंगा तट पर जाकर के या घर के प्रतिष्ठित मंदिर में पूजा के स्थान पर बैठ करके माँ गायत्री को शहद का भोग लगा करके धूप दीप दिखा करके और अगर व्यक्ति निरंतर 21 दिनों तक जप करता है उसे उस असाध्य रोग से निवृत्ति मिलती है और उसका शरीर जो है निरोगी हो जाता है और मनवांछित फल की सिद्धि होती है। प्रातः या सायकाल के संधि समय का चुनाव करें, पीले वस्त्र धारण करें, वैवाहिक जीवन के लिए चंदन या हल्दी की माला का प्रयोग करें, मंत्र जाप के पहले गुरु वंदना कर लें, मंत्र जाप के बाद जो भी इच्छा है उसके पूर्ण हो जाने की प्रार्थना करें। जो लोग भी गायत्री मंत्र का जाप करें पूर्ण रूप से सात्विक रहें, खान पान में सावधानी आवश्यक है।
गायत्री मंत्र के नियमित जप से कई तरह की परेशानियों से राहत मिलती है। इसके जाप से चेहरे की कांति बढ़ती है, मानसिक शांति मिलती है और शरीर निरोगी रहता है। विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में अगर एकाग्रता की समस्या है तो गायत्री मंत्र का जाप परम फलदायी है।